हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैप्टन एग्रो। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे जेड के सिलेबस में साइटोलॉजी, और साइटोलॉजी का हमने जो है 8th क्लास कंप्लीट कर ली है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप जो है पिछली वाली क्लासेस जो नहीं देखी है तो आप पहले उनको देखिए, बाद में इसको देखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्यों देखना, क्योंकि जो है आगे क्लास तभी समझ में आएगी जब आप आगे का जो भी सिलेबस है वो पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी क्लासेस हमने पढ़ाई है वो सारी आप पढ़ लीजिए, उसके बाद में जो है नेक्स्ट जो भी क्लासेज आती है उसको आप पढ़िए, ताकि ज्यादा से ज्यादा समझ में आए आपको। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है साइटोलॉजी में, ठीक है, टॉपिक है अपना सेंट्रोसोम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी प्रकार के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और किस तरीके से बनता है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जो है अपन सेंट्रोसोम की स्ट्रक्चर भी देखेंगे और किस तरीके से जो है ये बॉडी के अंदर वर्क करता है। मुख्यतः आप देखेंगे यहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है ये उपस्थित होता है, मतलब जंतु कोशिका में जो है ये पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है उसमें ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पे अपन एक चीज, इसका इतिहास, उपस्थिति कैसी, कहाँ पे होती है, मतलब कौन से सेल्स में ये प्रेजेंस होता है, उसके बाद में अपन इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे और कौन कौन से इसके अपवाद है जिनमें ये प्रोकैरियोटिक होते हुए भी नहीं पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में इसकी जो है संरचना को अपन पूरी डिटेल से देखेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक सेंट्रोसोम। वेलकम टू कैप्टन एग्रो। तो फ्रेंड्स, देखना यहाँ पे इतिहास हमारा ये है कि किसकी खोज की थी अपने ऑन पेंटेंट ने। ठीक है फ्रेंड्स, खोज किसने की थी, ऑन पेंटेंट ने, और जो शब्द दिया था सेंट्रोसोम। ठीक है फ्रेंड्स, शब्द किसने दिया था, तो ये दिया था टी बोवेरी ने। ठीक है, खोज तो की थी अपने साइंटिस्ट ऑन बेंडन, एंड शब्द दिया था, वर्ड दिया था ये सेंट्रोसोम टी बोवेरी ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे, तो डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट होगी। मैंने बताया है आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जंतु कोशिका से, ठीक है, जंतु कोशिकाओं में, जंतु कोशिका में केंद्रक के चारों ओर एक तारे नुमा संरचना, तारे नुमा संरचना या बेलगाड़ी के पहिए के समान संरचना, जब अपन बाहर से इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपको नजर आ रही होगी कि एक तरीके से ये जो है बेलगाड़ी की जो पहिया होता है उसकी समान दिखाई दे रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, मतलब इसकी परिभाषा बताता हूँ, मतलब सेंट्रोसोम जो है किसे कहते किसे है। ठीक है, तो जंतु कोशिकाओं में केंद्र के चारों ओर पाए जाने वाली तारे नुमा संरचना को अपन क्या कहते हैं, तारककाय कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, तारककाय कहते हैं या फिर सेंट्रोसोम कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये ध्यान रखना आप कि ये जो है कोशिका द्रव्य में प्रजेस होता है, यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। एक बात और बता दूं मैं आपको कि हमने एक स्ट्रक्चर देखा था या एक टॉपिक देखा था, ऐसे कह सकते हैं, वो टॉपिक था, उसका नाम था राइबोसोम, और राइबोसोम का हमने जो है पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो आपके दिमाग में एक चीज आ गई होगी यहाँ पे, वो चीज क्या है कि राइबोसोम जो अपने यहाँ पे टॉपिक है, ठीक है, एक अपन कह सकते हैं कोशिकांग है। ठीक है, तो ये एक तरीके से झिल्ली रहित कोशिकांग है, मतलब इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम या फिर तारककाय के अंदर भी झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, या जो बाहर की जो कवरिंग होती है, लेयर होती है, वो नहीं होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो तारककाय होती है वो क्या है, एक तरीके से झिल्ली रहित संरचना है। ठीक है, इसके ऊपर भी किसी तरीके की कोई झिल्ली नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि इसकी उपस्थिति जो है किस सेल्स में प्रेजेंस होती है और किस में एब्सेंस होती है, और कुछ यहाँ पे अपन अपवाद भी देखेंगे। ठीक है, तो उपस्थिति जो है मैंने लिखी है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अपन किस किस में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में, जैसे कि हमने देखा है यहाँ पे एल्गी, फंगाई और डायफाइटा, फर्न और जिम्नोस्पर्म। ठीक है ना, और भी है यहाँ पे, तो इनमें जो है तारककाय या सेंट्रोसोम ये प्रेजेंस होता है। ठीक है, ध्यान देना है आपको एल्गी, फंगाई, डायफाइटा, फर्न एंड जिम्नोस्पर्म। इसके बाद में हम अपवाद को देखते हैं, तो अपवाद है इसके डायटम्स, जो कि जीवाणु हैं। ठीक है, पानी में ये पाया जाता है, और हायर प्लांट, हायर प्लांट मतलब उच्च स्तरीय जो पादप होते हैं उनमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है।
ठीक है, और निम्न स्तरीय जो पादप होते हैं उनमें सेंट्रोसोम प्रेजेंस होता है। तो ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान देनी है। उसके बाद में अपन इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है बैलगाड़ी के पहिए के समान, ठीक है, सिलेंड्रिकल जो है इस तरीके से नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, देखेंगे कि जो संरचना है, जो संरचना है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो है 9+0 की व्यवस्था में होती है। ठीक है, ये संरचना अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रोसोम सेंट्रियोल की जो स्ट्रक्चर है वो किस संरचना में देखी जाती है या किस व्यवस्था में होती है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 9+0 की व्यवस्था में होती है, सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था में। ठीक है ना, 0+9 में आपको बताऊंगा कि 9 क्यों लिया और 0 क्यों लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखना है यहाँ पे 9 मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये ट्रिपलेट फ्यूजन है, फैशन है। ठीक है, ट्रिपलेट फैशन है, ट्रिपलेट मतलब होता है त्रिक, और त्रिक जो है इसमें तीन सूक्ष्म उप तंतु पाए जाते हैं। तीन सूक्ष्म उप तंतु कहाँ पे होते हैं, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब इस तरीके से जो है ये तीन उप तंतु है। पहले वाला यहाँ पे मैंने ऊपर ऊपर लिख रखा है ए, इसके नीचे है बी और इसके नीचे है सी। तो सारे के सारे जो नो स्ट्रक्चर है इसमें, नो उपतंतु है इसमें, सूक्ष्म नलिकाएं हैं, सॉरी, ठीक है ना, जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं नो, ठीक है ना, उनमें तीन तीन उपतंतु पाए जाते हैं, इसलिए इसको जो है ट्रिपलेट फ्यूजन बोलते हैं। और मैंने यहाँ पे 0 इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक हब होता है, हब मतलब होता है केंद्र, और केंद्र में जो है किसी तरह की कोई संरचना नहीं पाई जाती है। ठीक है, मतलब कोई सूक्ष्म नलिका या उपतंतु वगैरह की कोई एक स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देती है, इसीलिए हम इस चीज को क्या बोलते हैं, केंद्र या फिर हब। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे अपन इसको बोलते हैं 9+0 की व्यवस्था में सूक्ष्म नलिकाएं होती है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी इससे। अब आगे देखो, यहाँ पे पूरी जो स्ट्रक्चर है नो वो इस तरीके से गिनने में आएगी। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिख रखा है 1 2 3 4, ठीक है, 4 और 5 और 6 7 और 8 और 9, ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है ये 9 सूक्ष्म नलिकाएं हैं इनमें, और इनमें जो है तीन तीन उपतंतु उपस्थित हैं। इसीलिए अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पूरा जो सेंट्रियोल है, पूरा जो तारक केंद्र है, इसकी संरचना में जो उपतंतु होते हैं वो 40 एंगस्ट्रॉम भाग जो है उपतंतुओं का होता है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझना है यहाँ पे यह है कि 40 एंगस्ट्रॉम भाग उपतंतुओं का होता है पूरे सेंट्रियोल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान देना है यहाँ पे, और हमेशा ध्यान रखना है आपको कि ये जो सूक्ष्म नलिकाएं होती है, तीन तीन सूक्ष्म नलिकाएं हैं, सॉरी उपतंतु है, ये उपतंतु ऐसी स्थिति में जुड़े होते हैं जैसे कि मान लो एसी संयोजनी में यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, एसी संयोजनी का मतलब ये है कि यहाँ पे सी बी ए, फिर ये ए वाला जो उपतंतु है, ए वाला जो उपतंतु है ये सिर्फ सी से ही जुड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि जैसे ए वाला है ये सी से जुड़ेगा, फिर ए वाला है सी से जुड़ेगा, 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 और इसी तरीके से वापस ए वाला सी से जुड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है संरचना एक तरीके से पूरी आसानी से आप याद रख सकते हैं, और आसानी से नहीं रहती है तो आप एक बार बनाइए इसको, उसके बाद में याद रखिए। आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, और इसके अंदर से भी आ सकता है। ठीक है, और मैं आपको यह बता दूं कि ये जो संरचना है अंदर वाली, ठीक है ना, जो केंद्र से बाहर की ओर निकल रही है ये वाली संरचना जो है, इसकी साइज है यहाँ पे 25 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसकी साइज है 25 एंगस्ट्रॉम। तो ये थी अपने तारक केंद्र की संरचना, और इसमें आगे अपन और डिस्कस करेंगे कि हर एक तारक काय में दो तारक केंद्र उपस्थित होते हैं जो कि कणिकाओं के रूप में होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या ध्यान रखना है आपको कि हर एक तारक काय में मतलब हर एक सेंट्रोसोम में जो है दो तारक केंद्र उपस्थित होते हैं, दो तारक केंद्र उपस्थित होते हैं और कणिकाओं के रूप में होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना है, और इस कंडीशन को हम बोलेंगे डिप्लोसोम। ठीक है ना, दो रूप में है या दो कणिकाओं के रूप में है, दो तारक केंद्र उपस्थित हो रहे हैं, इसीलिए इस संरचना को हम बोलेंगे क्या, डिप्लोसोम। ठीक है, क्या बोलेंगे, डिप्लोसोम। आगे ध्यान दीजिए, डिप्लोसोम क्यों बोला, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखी है कि जिस तरीके से ये एक कोशिका है, ठीक है ना, अब इसमें तारक केंद्र उपस्थित है,
ठीक है ना, एक और दो दोनों तारक केंद्र उपस्थित है। अब इसमें सिलिया समान संरचना, बाल के समान संरचनाएं उपस्थित है, इनको बोलते हैं अपन तारकीय अरे, ठीक है ना। तारकीय अरे क्या इसको इंग्लिश में बोले तो एस्टर रेज बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान दे रहे हैं आपको, दो यहाँ पे तारक केंद्र उपस्थित है और इनमें जो है लगी हुई है तारकीय अरे, ठीक है, तारकीय अरे लगी हुई है इस तरीके से ये चारों ओर। और ये तारकीय अरे क्या काम करती है, आपने देखा होगा कोशिका विभाजन, ठीक है, कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन अपन जब पढ़ते हैं तो वहां पे अपन समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन में जो है पूरी तरीके से कोशिका विभाजन को डिस्कस करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज में आपको बताता हूँ कि तारक का तारकीय अरे जो है ये बनाती है उपतंतु, सॉरी तर्कु तंतुओं का निर्माण करती है, तर्कु तंतुओं का निर्माण करती है। और तर्कु तंतु क्या करते हैं, ये गुणसूत्रों को विपरीत दिशा में, गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों पर ले जाने का काम कौन करती है, तर्कु तंतु करते हैं, ठीक है। एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं, समसूत्री की जो मेटाफेज स्टेज होती है उसमें क्या होता है, देखो यहां पे ये समसूत्री कि मैं यहाँ पे मेटाफेज ये प्लेट है बीच वाली, ठीक है ना, इसमें किस तरीके से गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से जो है गुणसूत्र होते हैं। और यहाँ पे जो है तारक केंद्र उपस्थित है, ठीक है, यहाँ पे तारक केंद्र उपस्थित है और ये तारकीय अरे हैं। तो यहां से ये तारकीय अरे क्या करेगी, ये एक तरीके से तारक केंद्र बनाएगी और इस तरीके से यहां से पकड़ लेगी, इस तरीके से जो है ये आती है अपने पास कौन सी अवस्था, मेटाफेज अवस्था, ठीक है, समसूत्री की मेटाफेज अवस्था में होता है ये ऐसा, ठीक है। और जब इसके आगे की अवस्था आएगी अपने पास एनाफेज, तो उसमें क्या हो जाएंगे, ये तर्कु तंतु जो है विपरीत दिशा में चले जाएंगे, ठीक है, विपरीत ध्रुवों पर चले जाएंगे। तो ये सब आपको ध्यान रखना है और इसके बारे में अपन जो है सेल डिवीजन कोशिका विभाजन के बारे में आगे और तरीके से इसका टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे तर्कु तंतु काम करते हैं और इसके आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे कि अपन ने डिप्लोसोम बोल दिया, इनके चारों ओर एक गोलाकार भाग पाया जाता है, ठीक है ना, इनके चारों ओर जो है एक तरीके से गोलाकार भाग पाया जाता है जिसे हम सेंट्रोस्फीयर या तारक परिकेंद्र कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या ध्यान रखना है, सेंट्रोस्फीयर इसके चारों ओर जो है गोलाकार भाग पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोस्फीयर या फिर तारक परिकेंद्र कहते हैं। और इसका व्यास होता है 0.15 माइक्रोन से 0.35 माइक्रोन तक जो है इसका व्यास होता है तारक परिकेंद्र का या फिर तारक सेंट्रोस्फीयर का, ठीक है, इतना व्यास होता है इसके अंदर। और इसके बारे में बता दूं कि आपको सेंट्रोसोम का निर्माण कैसे होता है या सेंट्रोसोम किसके बराबर होता है, तो आपको सेंट्रियोल मतलब तारक केंद्र दो होते हैं, ठीक है, और सेंट्रोस्फीयर प्लस तारक केंद्र दोनों जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं इसके बराबर होता है ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेंट्रोसोम किससे मिलकर बना है, यहाँ पे सेंट्रियोल एंड सेंट्रोस्फीयर, और सेंट्रियोल कितने होते हैं, एक तारक काय के अंदर, एक सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब आगे अपन बात करते हैं कि हमने इसमें देखे उपतंतु, ठीक है, तो अपन अलग से एक उपतंतु की मैंने यहाँ पे संरचना बना रखी है और इस संरचना में आप देखेंगे कि 13 गोलाकार इकाइयां उपस्थित होती है, ठीक है। एक उपतंतु जो है वो बनता है 16 गोलाकार उप इकाइयों से और जिसकी साइज होती है 250 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, जिसकी साइज होती है 250 एंगस्ट्रॉम। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी गोलाकार इकाइयों से बना होता है, तो 13 गोलाकार इकाइयों से, मैंने गिनकर लिखी है यहाँ पे, आप चाहें तो गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, पूरी फिक्स है 13 गोलाकार इकाइयों से जो है ये मिलकर बना होता है। तो फ्रेंड्स अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसका जो है स्ट्रक्चर देखी थी और स्ट्रक्चर में अपन कुछ चीजें और देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो सूक्ष्म नलिकाएं होती है अपने यहाँ पे, ठीक है, जो 9 सूक्ष्म नलिकाएं होती है, सॉरी 13 सूक्ष्म जो गोलाकार इकाइयां होती है यहाँ पे, ये 13 है, ठीक है ना, और ये 9 है, इस तरीके से 1, 2, 3, 4 इस तरीके से 9 है। तो जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं उनकी दीवार जो बनी होती है वो कौन किस किस से मिलकर जो है ये दीवार बनी होती है, सबसे मुख्य यहाँ पे अपने पास ट्यूबुलिन प्रोटीन आती है, ठीक है, जो कि नीट वगैरह एम्स वगैरह या फिर जेट की अपन बात करें
तो सभी प्रकार के जो एग्जाम्स हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है, ठीक है, कि जो सूक्ष्म नलिकाओं की जो दीवार होती है वो किससे बनी होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्यूबुलिन जो प्रोटीन होती है उससे बनी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है और अधिकतर सेंट्रोसोम से जो क्वेश्चन आता है ना वो यहाँ से यही क्वेश्चन ज्यादा बार उठाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में वसा से मिलकर बनी होती है और इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम है एटीपीएस एंजाइम। अब अपन देखते हैं कि जब हम इस स्ट्रक्चर को, तारक केंद्र को, सेंट्रियोल को जब बाहर से देखते हैं तो ये बैलगाड़ी के पहिए के समान नजर आती है, ठीक है ना। इसीलिए इस संरचना को हम बोलते हैं कर्व्ड व्हील स्ट्रक्चर, ठीक है। ध्यान रखना है आपको कि बैलगाड़ी के समान नजर आने वाली संरचना को हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड व्हील स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ध्यान देना है आपको इस चीज के ऊपर। और जो अपने यहाँ पे उपतंतु उपस्थित हैं परिधि के ऊपर, ठीक है ना, या परिधीय भाग में जो उपतंतु हैं वो तीन हैं, ठीक है ना, तीन तीन हैं, मतलब नौ पार्ट हैं इसके, ठीक है, नौ सूक्ष्म नलिकाएं हैं जिनके ऊपर तीन तीन उपतंतु हैं, वो उपतंतु हैं एबीसी के रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एबीसी संरचना को जो जुड़े हुए होते हैं या किस व्यवस्था में होते हैं, तो हमने देखा है यहाँ पे एसी व्यवस्था में होता है या फिर सी व्यवस्था में होता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कनेक्टिव, सी या कनेक्टिव या एसी कनेक्टिव जो है इसको अपन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आगे अपन देखते हैं कि जो ए वाले जो उपतंतु हैं या फिर बीसी वाले जो उपतंतु हैं ये किस आकार के होते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि ए वाला जो उपतंतु है उसका आकार होता है गोलाकार, एंड बीसी वाला जो उपतंतु है उसका आकार होता है सी आकार का, ठीक है ना। सी आकार के होते हैं बीसी और ये जो उपतंतु है वो होता है गोलाकार। अब अपन यहाँ पे मुख्य चीज ये है कि यहाँ पे कार्य की बात कर लेते हैं कि जो सेंट्रोसोम है ये वर्क क्या करता है बॉडी के अंदर, ठीक है, एनिमल सेल के अंदर क्या काम करता है। तो आपको यहाँ पे सबसे मेन चीज ध्यान देनी है कि सीलिया व पक्षमाप का जो आधारी भाग होता है ऊपर वाला, सॉरी नीचे वाला जो भाग होता है, ठीक है ना, आधार वाला भाग होता है उसको ये बनाने का काम करता है सेंट्रोसोम, ठीक है। सीलिया व पक्षमाप मतलब ये पेड़ होते हैं किसी मतलब जीवाणु विषाणु वगैरह के, ठीक है, तो ये चलने में मदद करते हैं उनको, या कोई भी भोजन वगैरह में उनमें भी ये मदद करते हैं। आगे अपने पास आता है कि जो अपन देखते हैं सेंट्रोसोम के स्ट्रक्चर में तो हमें दो तारक केंद्र नजर आते हैं, ठीक है, दो तारक केंद्र नजर आते हैं। तो इनके बीच का जो कोण है ना, अपन देखेंगे कि एक और दो दोनों तारक केंद्र का जो बीच का एंगल है ना वो है यहाँ पे एंगल अपने पास 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना कोण यहाँ पे अपने पास तारक केंद्र के बीच में होता है, ठीक है। तो एक चीज और है यहाँ पे, सेंट्रोसोम में हम देखते हैं, सेंट्रोसोम में हम देखते हैं कि दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं, सेंट्रियोल, ठीक है फ्रेंड, दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं यहाँ पे। अपन देखते हैं एक चीज, सेंट्रोसोम और सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं जिसमें भी दो भाग होते हैं समीपस्थ एंड दूरस्थ, ठीक है। तो समीपस्थ जो भाग होता है ये बनाता है अपने पास यहाँ पे कोशिका विभाजन जब होता है, सेल डिवीजन जब होता है, तो वहां पे अपन देखते हैं कि तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है, ठीक है। और तर्कु तंतु क्या काम करते हैं, ये गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों तक भेजने में काम करते हैं। और तर्कु तंतुओं को अगर इंग्लिश में बात करें अपन तो इसको स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, ठीक है, जो कि तर्कु तंतुओं के निर्माण में सहायक है, दूरस्थ वाला भाग। अब अगर अपन समीपस्थ वाले की बात करें, सॉरी समीपस्थ वाला भाग, ठीक है ना, समीपस्थ वाला भाग क्या काम करेगा, तर्कु तंतुओं का निर्माण करेगा, और जो दूरस्थ वाला भाग है ये शुक्राणुओं की उत्पत्ति का काम करता है। शुक्राणुओं की उत्पत्ति का मतलब ये है कि शुक्राणुओं की जो पूंछ होती है वो पूंछ में तर्कु तंतुओं का निर्माण जो है किस भाग के द्वारा होता है, दूरस्थ भाग के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था अपना सेंट्रोसोम, और यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन का जो है जो भी कमेंट के माध्यम से बताएगा उसका नाम अगली क्लास में जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें लिया जाएगा। और जो फर्स्ट 10 स्टूडेंट होंगे या 10 कमेंट होंगे उनका नाम लिया जाएगा, और जो डिटेल से बताएगा उसका नाम सबसे टॉप पे लिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जो है अगर और एक क्वेश्चन और है जो कि मैंने कल दिया था आपको, ठीक है, उसका आंसर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मैंने क्वेश्चन दिया था आपको राइबोसोम में से, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइबोसोम में से क्वेश्चन ये था कि यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर सेल्स में किस प्रकार का राइबोसोम प्रेजेंस होता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको ऑप्शन दिया था, एक तो 70S प्रकार का,
दूसरा था 80s प्रकार का, ठीक है। थर्ड ऑप्शन था अपने पास 70s प्लस 80s, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो आप एक स्टूडेंट था जिसका नाम था मान सिंह मीणा, ठीक है, मान सिंह मीणा, जिन्होंने यहाँ पे अपने पास आंसर दिया था 80s प्रकार का, ठीक है। तो आप बिल्कुल सही हो, मतलब मान सिंह मीणा ने जो आंसर दिया था वो सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको इस टाइप से अगर ऑप्शन नजर आए, ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग गलत हो सकता है, ठीक है। जो मान सिंह मीणा ने जो ऑप्शन दिया है, आंसर दिया है 80s प्रकार का इस ऑप्शन में, तो आपका आंसर मतलब गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये ऑप्शंस नहीं आता है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है 80s प्रकार का, ठीक है। अगर ये ऑप्शन दे दिया जाए आपको, तो आप ध्यान रखना कि 70s प्लस 80s प्रकार का जो है राइबोसोम वहां पे प्रेजेंस होगा, ठीक है फ्रेंड्स। गलती नहीं करना है आपको, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत सी बार नीट के एग्जाम में, एम्स के एग्जाम में और बहुत सारे मेडिकल लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा गया है, ठीक है ना, इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन हमारा है शुक्राणु का एक्रोसोम किससे उत्पन्न होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप क्वेश्चन को जो है ध्यान से पढ़ लीजिए, शुक्राणु का एक्रोसोम किससे उत्पन्न होता है। आपके पास चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में फर्स्ट है गोल्जी वेसिकल्स, सेकेंड ऑप्शन है लाइसोसोम, थर्ड ऑप्शन है गोल्जी ट्यूबुल और फोर्थ ऑप्शन है सिस्टनी। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर जो भी बताएगा कमेंट के माध्यम से, राइट आंसर बताएगा, उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो आप अधिक से अधिक जो है दोस्तों में और शेयर और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।